हाय रीज, और आपकी मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मेरी थोड़ी सी बैक में इशू हो रहा है तो मैं हाथ आगे नहीं रख पाऊंगी, तो आप मेरा हाथ नहीं देख पाओगे। बोरोफिन आपको सिर्फ कार्ड्स दिखाई देंगे और मेरी आवाज सुनाई देगी, एंड आई होप दैट इज ओके विद यू, बिकॉज अदरवाइज मैंने करना था लेकिन वो थोड़ा आगे झुकना पड़ रहा है ना, तो बैक में इशू हो रहा है। और साथ में मैं लाइव पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा मुझे आज मिला नहीं, और लेकिन मैं चाहती थी कि वीडियो आप तक पहुंच पाए, तो किसी तरह मैं मतलब हो जाएगा, मैनेज करके मैं वीडियो आप तक पहुंचा दूंगी आज, पर लाइव में नहीं क्योंकि एक स्ट्रेच में नहीं हो पाएगी। तो बात करें सितंबर का महीना। सितंबर का महीना आपके लिए ऐसा महीना है जो बहुत बहुत स्ट्रांग एनर्जी लेके आ रहा है, इन द सेंस कि आप जस्टिस का महीना है, एक तरह से सही रास्ता चूज करने का महीना है, सही रास्ता लेने का महीना है। इस महीने आपको कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो आपको जहां पे आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि आपको डेविल बनना है या आपको डिवाइन की तरफ जाना है, आपको बुरा बनना है या आपको अच्छे की तरफ जाना है, आपको हीरो बनना है या आपको विलेन बनना है। तो एक तरह से मुझे इस तरह की एनर्जी इस महीने में लग रही है जहां पे आप एक दो राहे पे होंगे, जहां पे आपको चूज करना है कि आपको गलत एनर्जीज की तरफ जाना है, गलत चीजों की तरफ जाना है, या आपको अच्छी चीजों की तरफ जाना है। अगर आप गलत एनर्जी चूज करेंगे या अगर आप गलत चीजों की तरफ जाएंगे, टेम्परेरली आपको ऐसा लग सकता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, किसी को नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म डेफिनेटली टावर मोमेंट आएगा, आपको वो गलत चीजें छोड़नी पड़ेंगी और उसमें जो भी आप अपने लिए बेनिफिट इकट्ठा करोगे वो भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रह पाएगा। तो आइडियली मैं बोलूंगी कि ये महीना है जब आप डिवाइन पे फोकस करें, अच्छी चीजों पे फोकस करें, पॉजिटिविटी पे फोकस करें। कहीं ना कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव का बैलेंस जो है ना इस महीने बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है आपके लिए, और अगर आप पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे तो आप जो पहले की भी चीजें हैं आप उनको एक्चुअली सही तरह से सेट कर सकते हैं और आप एक्चुअली सक्सेसफुल हो सकते हैं और जो स्ट्रक सिचुएशंस हैं वो खत्म हो सकती हैं। तो जरूर ध्यान रखें इस महीने की किसी भी वक्त पे आप ऐसी एनर्जी ना चूज करें जो आपको नहीं चूज करनी है, डिफिकल्टीज ना डिनाय करें लेकिन शॉर्टकट या गलत रास्ता ना इख्तियार करें। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो मुझे थोड़ी सी नेगेटिविटी जो है वो आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है, तो नेगेटिव थिंकिंग या कई बार ऐसा होता है हम बहुत ज्यादा काम मतलब मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा करते हैं और उसकी वजह से हम एक्चुअल में अपनी हेल्थ को इम्पैक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो नेगेटिव थिंकिंग या बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग जिसमें आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो या आप बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हो या आप नेगेटिवली सोच रहे हो, ये दोनों चीजें आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है इस महीने क्योंकि ये दोनों ही चीजें आपको हेल्थ इश्यू दे सकती हैं। दूसरा, क्योंकि आपके कार्ड्स में मुझे टावर कार्ड दिखाई दे रहा है, एनर्जी टावर कार्ड की इस तरह की होती है जहां पे सडन कुछ हो सकता है, जैसे सडन गिर गए, कुछ एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की चीजें। नॉट दैट बहुत नेगेटिव है, ये एनर्जी बहुत नेगेटिव नहीं है और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला कि ये महीना ऐसा होगा जहां पे जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स आएंगी आपके पास हमेशा सोल्यूशन अवेलेबल रहेगा, लेकिन आपको अपने आप को क्लोज नहीं करना है, आपको अपने आप को पोजेसिव नहीं होना है, क्लोज नहीं करना है, सिर्फ हर चीज अपने तरफ रखने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप इस टाइप की एनर्जी में आएंगे जहां पे आप अपने आप को पूरी तरह क्लोज करने की कोशिश करेंगे, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, चीजों को देखोगे नहीं, अपने आप को आप सोचोगे कि मैं अपने आप को एक्सक्लूड कर लूं या अलग कर लूं तो शायद जो भी होना है चीजें मैं उनसे बच जाऊं, तो वो सही एनर्जी नहीं होगी। और इसीलिए जरूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा सोशल बन के रहें, थोड़ा सा कनेक्ट करें लोगों के साथ। अगर कोई बात है, कोई चीज है, कोई थॉट है जो माइंड को इम्पैक्ट कर रही है तो उसके बारे में बात करें, उसके बारे में कनेक्ट करें और वहां से आपको ज्यादा बेटर हेल्थ मिलेगी देन अगर आप अपने हेल्थ इशू को छुपाएं या अपने हेल्थ इशू को अपने तक रखने की कोशिश करें या अपने हेल्थ इशू को खुद ही मैनेज करने की कोशिश करें या अपनी हेल्थ का ध्यान न रखें। तो वो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई भी हेल्थ इशू आपको, ऐसा कोई मेजर, मुझे बहुत मेजर मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं दिखाई दे रहे हैं, बस मैं ये देख रही हूं कि अगर कोई भी हेल्थ इशू आपको होता है तो आपने इस महीने ध्यान रखना है कि आपने उसको अवॉइड नहीं करना है, आपने नेगेटिविटी में नहीं जाना है, आपने उसको क्लोज नहीं करना है, आपने उसको एड्रेस करना है। अगर एड्रेस करेंगे तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें ठीक रहेंगी। बात करें आपके मनी एनर्जी की, तो मनी मुझे इस महीने एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपके कार्ड में दिखाई दे रहा है। एक पेंटिकल कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल का, बट एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक्चुअली अच्छा कार्ड होता है मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप देखें तो वो बहुत ज्यादा काम कर रही है, रादर रात को भी बैठ के काम कर रही है और उसको उसका रिजल्ट मिल रहा है, उसको उसका इनाम भी मिल रहा है। तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपकी लाइफ में मनी या पॉजिटिव चीजें या जो अच्छी चीजें हैं वो फ्लो होंगी। तो आप जितना मेहनत करेंगे उतना, वो बोलते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा मिलेगा, इसी तरह जितना मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा। तो अपनी एनर्जीज को पॉजिटिवली आप वर्क में लगाएंगे तो डेफिनेटली वहां से आपको
डेफिनेटली आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। तो जिस भी चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली वर्क करते रहिए, थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी कीजिए, थोड़ा सा ज्यादा उसके बारे में जानिए और फिर आगे बढ़िए, तो मनी का ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली होगा। लेकिन अगेन शॉर्टकट्स के लिए मत जाइए इस महीने, और कोशिश कीजिए आप एक टाइम पे एक काम करें, क्योंकि अगर आप यहाँ नो स्पेस पे देखें तो बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग कर रही है। एक तरफ से दिमाग में ख्याल आ रहे हैं, एक तरफ से बर्ड्स की बातें सुन रही है, एक तरफ से बुक पढ़ रही है, और एक तरफ से एक एज पे स्वॉर्ड की एज पे चल रही है। दो वो बिल्कुल पहुंचने वाली है अपने डेस्टिनेशन पे, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ हो रही हैं। तो इसलिए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मल्टीटास्किंग जो है इस महीने अवॉइड करनी है, एक चीज पे एक बार में ध्यान देना है। आई नो बहुत सारी चीजें होंगी आपके पास करने के लिए, लेकिन एक चीज पे एक टाइम पे ध्यान देना है और किसी भी नेगेटिव एनर्जी के या नेगेटिव चीज के इम्पैक्ट में नहीं आना है। कोई आपको बोले कि अरे आप मुझे वो ला के दे दो और यू नो मैं आपको ये रिजल्ट दे दूंगा, या कोई आपको शॉर्टकट ऑफर करे या मनी के लिए शॉर्टकट ऑफर करे, इट विल नॉट वर्क आउट, वो नहीं काम करेगा। तो इसीलिए नेगेटिव एनर्जी में बिल्कुल नहीं जाना है इस महीने। मनी फ्लो होगा क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो मनी फ्लो एब्सोल्युटली होगा। राधर क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी है, तो ऐसा लगता है कि अगर किस तरह का कोई लीगल मैटर भी होगा जहां पे जस्टिस नहीं हो रहा था, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो वो भी सॉर्ट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी जो चीज बहुत पहले से लटकी हुई थी। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अगेन बैलेंस बहुत जरूरी रहेगा। अगर आपको किसी को कुछ बोलना है, अगर आपको किसी के लिए कुछ करना है, अगर आप किसी का अच्छा करना चाहते हैं, आप किसी के लिए कुछ डिवाइन करना चाहते हैं, आप किसी को किसी चीज से बचाना चाहते हैं, एक्सप्रेस कीजिए, बोलिए। पीठ के पीछे से आप जो भी चीज करेंगे वो आपके अगेंस्ट जाएगी। तो इसलिए एक तो बहुत जरूरी है अपने आप को क्लोज ना रखें रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सप्रेस करें। दूसरा, हो सकता है कि आपको कोई चीज किसी एक तरह से दिखाई जाए या बताई जाए कि क्यों आपके रिलेशनशिप में इश्यू है, आपके पीठ के पीछे ऐसा किया है, आपके साथ चीटिंग हो रही है, इस तरह की चीजें आपको बोली जाएं जो वाकई में हो ना, एक्चुअल ट्रूथ ना हो उसमें, लेकिन आप उस पे स्टेप लेके अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम खड़ी कर लो। क्योंकि टू ऑफ कप्स का कार्ड है, ऊपर फर्स्ट कार्ड जो है टू ऑफ कप्स का है, तो नई रिलेशनशिप या नई एनर्जी के आने के चांसेस हैं आपके लाइफ में। आई एम सॉरी, पॉजिटिव रिलेशनशिप आपके लाइफ में आने के चांसेस हैं, नई रिलेशनशिप आपके लाइफ में आने के चांसेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी वाइज मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ रियलिटीज, कुछ रियलिटी चेक्स जो है वो आपके लिए जरूरी होंगे। डिप्रेसिव या नेगेटिव एनर्जी में ना जाएं। अगर किसी तरह का, हो सकता है कि कोई आपको धोखा दे प्यार में, हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप खत्म हो, लेकिन उस टाइम पे खुद को बैलेंस करना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप, वो होना ही था, वो आज नहीं तो कल वो होना ही था रिलेशनशिप ओवर, बिकॉज आपके लिए कुछ बेटर है करने के लिए, आपने कुछ बेटर करना है अपनी लाइफ में, तो आइडियली वो होना ही था और इसीलिए टावर है, लेकिन वो रियलाइजेशन के लिए है, वो आपके बेटरमेंट के लिए है। तो उस एनर्जी में जाएं, डिप्रेसिव या नेगेटिव एनर्जी में ना जाएं। दूसरा, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक और चीज का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई एक हेल्पिंग, अगर आप देखो तो एक बहुत हैंडसम एक डेविल है, एक हेल्पिंग हैंड दे रहा है, लेकिन आपको अपना क्या बनाना चाहता है, आपको अपना गुलाम बनाना चाहता है। और अगर यहाँ पे आप देखें तो ये कुछ चोरी करके या कुछ सामान लेके क्रोज के पंख लेके जा रहे हैं, लेकिन कौओं को पता लग गया है, मतलब अलार्म रेज हो चुका है, और इसीलिए ये जो है ये अपने बैलेंस में है। तो बैलेंस रखेंगे एनर्जीज का और इमोशंस का तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपको कोई लालच दे रहा है या कोई बहुत अच्छा लग रहा है एक मिनट के लिए, कोई बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि वो आपको एक शोल्डर टू क्राई अपॉन दे रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है एक रिलेशनशिप खत्म हुई हो, कोई आपको अपना कंधा दे रहा हो रोने के लिए, और लेकिन उसके इंटेंशंस वो ना हो, इंटेंशंस कुछ अलग हो। तो खुद पे भरोसा रखिए, खुद को बैलेंस रखिए इस महीने। कोशिश कीजिए कि आप एक्चुअल में अपने इंटरनल बैलेंस पे काम करें, क्योंकि बैलेंसिंग बहुत जरूरी रहेगी। जितना ज्यादा आप इंटरनल बैलेंस करेंगे, उतना ज्यादा एक्सटर्नल चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि आप किसी स्ट्रगल्ड रिलेशनशिप से वॉकआउट करें, हो सकता है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलें, आप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं आप उसको बदलें, क्योंकि आपके अंदर भी कुछ फॉल्ट्स हैं जो आपको चेंज करने हैं। और जब आप एक्चुअल में इत्मीनान से बैठ के सोचेंगे कि क्या बदलना है, क्या सही है, तो आप एक्चुअली में जो पुरानी अटकी हुई चीजें हैं उनको सही कर पाएंगे, आप उन चीजों को सही तरीके से सेट कर पाएंगे, सही तरीके से रिक्रिएट कर पाएंगे। और हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि आपको सडनली किसी से मिलने जाना पड़े, हो सकता है सडनली कहीं से मैसेज आए, सडनली कोई कनेक्ट हो, तो वो एक और चीज जो है वो मुझे आपकी कार्ड्स में रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई दे।
अगर बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये महीना बहुत पॉजिटिव नहीं लग रहा है। आप अपने आप को बैलेंस करें, पहले अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, अपनी आप को पूरे अपने इमोशंस को पूरी तरह बैलेंस में लेके आएं और फिर प्रेगनेंसी की ट्राई करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। करियर की बात करूं तो करियर के प्रस्पेक्टिव से अगेन मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि महीना फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। डेफिनेटली अराउंड मिड ऑफ सितंबर आपको चीजें बहुत ज्यादा चेंज होती हुई दिखाई देंगी, बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल ज्यादा पॉजिटिवली चेंज होती हुई दिखाई देंगी। एक तरह से एक बैलेंस आएगा, एक नई एनर्जीज का डोर ओपन अप होगा, एक नई बिगनिंग का ओपन अप होगा, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स में। तो ऐसा नहीं है कि महीना किसी भी तरह से नेगेटिव है आपके लिए, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल एनर्जी इस तरह की है कि जितना ज्यादा आप अपने आप को ऑनेस्टी, बैलेंस, पॉजिटिविटी में रखेंगे, उतना ज्यादा बेटर तरीके से आपकी एनर्जीज जो है इस महीने काम करेंगी। थोड़ा काम आपके पास ज्यादा आ सकता है अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, मल्टीटास्किंग करनी पड़ सकती है अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें जब मल्टीटास्किंग करें तो हर चीज की तरफ आपका पूरा ध्यान हो, क्योंकि कुछ मिस हो सकता है, कुछ ऐसा मिस हो सकता है जो बहुत क्रूशियल हो और उसके मिस होने के कारण आपको कोई इशू जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप थोड़े से कॉशियस रहेंगे तो इस चीज को आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। तो आप जो भी काम करें आप थोड़ा सा केयरफुल होके करें, थोड़ा सा ध्यान देके करें, ताकि कोई कम्युनिकेशन मिस ना हो, ताकि आप किसी चीज को गलत तरह से इंटरप्रेट ना कर दें, या ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज या लाइन जो आपने लिखनी हो वो आप लिखना मिस ना कर दें। दूसरा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, आंख बंद करके चीजें ना करें इस महीने। और इंटरनल बैलेंस, यस मेडिटेशन और इंटरनल बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक पॉजिटिव एनर्जी हो, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप आंख खोल के चीजों को देखें। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, अग्रीमेंट साइन करना है, तो उसको पूरी तरह पढ़ें। और एक एडवांटेज जो ये मैं, और शुरू में अपने आप को क्लोज ना करें। अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप प्रोजेक्ट के लिए, कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने आप को क्लोज ना करें, रादर कंट्रीब्यूट करें। क्योंकि जितना आप पार्टनरशिप में आएंगे, जितना आप कंट्रीब्यूशन में आएंगे, जितना आप बेटरमेंट में आएंगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा। पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटी है, लेकिन पार्टनरशिप के लिए दो तरह के लोग आपके पास हो सकते हैं। एक जो आपको ऑन द फेस ऑफ इट बहुत अच्छे लगेंगे, आपको लगेगा कि ये तो मेरा सारा लोड ले लेगा, इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। और दूसरा होगा जो शायद ऑन द फेस ऑफ इट आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा ये बहुत एवरेज है, लेकिन जो एवरेज है वो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे या वही शॉर्ट टर्म बेनिफिट की तरफ जाएंगे, तो फिर वो ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहेगा बिजनेस। तो इसीलिए पॉजिटिव की तरफ जाएं, स्लो ग्रोथ हो लेकिन ज्यादा अच्छी ग्रोथ हो तो अच्छा है। उसके साथ में ना एक एडवांटेज ये महीना लेके आ रहा है कि आपके पास एक एडवांटेज होगी टू सेट द थिंग्स राइट। आपके पास एंड ऑफ द मंथ एक अपॉर्चुनिटी होगी जहां पे आप चीजों को सही कर सकते हैं, जहां पे जो चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं की हैं, जो चीजें आपको छोड़नी चाहिए थी, या जिन चीजों की वजह से आप स्टक फील कर रहे थे, या जो चीजें आप पास में छोड़ के आए हैं, पास में थोड़ा गलत करके आए हैं, उन चीजों को आप चेंज कर सकते हैं फिर से। लेकिन स्टेप जल्दी लेना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही अंडरस्टैंड करेंगे वैसे ही आपको स्टेप लेना पड़ेगा। बहुत ज्यादा वेट नहीं करना है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। आपकी लाइफ में कोई पर्सन भी आ सकता है, अगेन मैं बोल रही हूं एज अ पार्टनर भी आ सकता है, लेकिन आपको अगर आप अपनी एनर्जीज को क्लियर रखेंगे तभी आप उस चीज को समझ पाएंगे। तो अगर जिनके पास जॉब नहीं है, मुझे लगता है महीने के मिड में 10th के आसपास अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और आपको वो अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है किसी भी हाल में। 10th 12th के आसपास अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है, आंखें बंद नहीं रखनी है और अपने आप को बैलेंस रख के आगे बढ़ना है। बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टकट्स ना लें, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है शॉर्टकट्स ना लें, क्योंकि शॉर्टकट्स जो है वो बहुत जल्दी गलत चीज की तरफ ही जाएंगे, मतलब अच्छे नहीं देंगे। लेकिन अगर प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करेंगे, अच्छे से चीजें करेंगे, बैलेंस में रह के करेंगे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को भी मिल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी महीने की अच्छी है। ये ध्यान रखें कि हर चीज, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी चीज आप काम कर रहे हैं, ऐसा ना हो फोन हाथ में है, साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में होमवर्क कर रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर बात करूं सोल ग्रोथ या सोल पाथ की, तो जस्टिस का कार्ड है, और ये जस्टिस का कार्ड अगर आप देखें तो इसमें यहां पे इसकी आंखें बंद है और यहां पे इमेज में इसकी आंखें खुली हैं, आपको यहां पे इसकी आंखें खुली हैं, राइट। सो ये दो अलग तरह की इमेज है, और यहां पे वो स्माइल कर रही है और यहां पे वो थोड़ी सी एंग्जाइटी या नेगेटिव एनर्जी में दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो मतलब उसका फेस कट और बाकी सारी चीजें जो हैं जिस तरह से दिखाई दे रही हैं, तो और यहां पे पीछे अंधेरा है, यहां पे पीछे ब्राइट लाइट है। तो इंटरनल, अपने इंटरनल के साथ कनेक्ट करना, अपने इंटरनल बींग के साथ कनेक्ट करना, अपने अंदर से फिगर आउट करना कि क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें गलत हैं, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया, उन चीजों को एक्सेप्ट करना और उन चीजों को
चेंज करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ये महीना आपके लिए एक मैसेज लेके आता है कि आपको जो भी आपके अंदर गलत चीजें हैं, जो भी चीजें आपने सही नहीं की हैं, उनसे आप थोड़ा सा आगे बढ़े और ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा इस महीने आपके लिए सोल ग्रोथ के लिए। बात करूं आपके चक्र ऑफ द मंथ की, तो दो चक्रास आपके लिए चक्र ऑफ द मंथ में, एक चक्र ही आया एक्चुअली, दो कार्ड्स आए लेकिन सेम चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रोट चक्र। और अगेन जैसे मैंने बोला, थ्रोट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस महीने कि आप क्या बोल रहे हो, क्या एक्सप्रेस कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप किस इमोशन से आ रहे हो, आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो। और इसीलिए जितने ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना ज्यादा आपका थ्रोट बैलेंस होगा उतना ज्यादा आपकी वॉइस में वजन होगा, इंपैक्टफुल होगी। तो थ्रोट चक्र के मेडिटेशन जो है वो जरूर करनी है इस महीने आपने। बात करें आपके मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, तो कार्ड आया है डॉल्फिन का और कार्ड बोलता है कि आपको लाइटली और वाइजली, अगर आप वाइजली समझदारी से जिएंगे, लाइटली जिएंगे, तो आपके लाइफ में खुशियां, फन, लाफ्टर सब कुछ आपके लाइफ में आएगा। आपको गाइड किया जाता है कि अपनी हीलिंग एबिलिटीज जो है उनको डेवलप करें और अपने आसपास के फेलो ह्यूमन बीइंग्स जो है उनकी हेल्प करें। सर्व विद विजडम एंड जॉय, तो आपको सर्विंग के लिए ये कार्ड आया है कि दूसरों को सर्व करें, दूसरों के लिए अच्छी चीजें करें। और तो ध्यान रखें कि इस एनर्जी में आप रहें तो कि दूसरों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं किसी के लिए तो एटलीस्ट किसी के लिए कुछ बुरा ना करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस महीने के लिए। नंबर ऑफ द मंथ की बात करूं तो नंबर 8 है। कलर ऑफ द मंथ की बात करूं तो ब्लू और ग्रीन की कोई भी शेड। और जो एक्स्ट्रा मैसेजेस में आपके लिए मैंने लिए हैं उसमें पहला ही कार्ड है विलन का और ये बोलता है यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। आपके पास हमेशा चांस होता है, वो एक शंख है यहां पे और वो उसको तोड़ने वाली है, वो सोच रही है कि मैं इसको तोड़ दूं, लेकिन उसके पास अभी भी एक चांस है कि वो तोड़ दे या इस शंख को रख ले, इस शंख को यूज कर ले, क्योंकि इनके अंदर भी एक तरह से बोलो लाइफ होती है या वाइब्रेशन होती है। तो आपके पास चांस होगा इस महीने कि आप एक्चुअल में एक विलन बनो, कोई नेगेटिव काम करो या कोई पॉजिटिव काम करो। और यहां से शंख से म्यूजिक निकल रहा है जो वाकई ही में इसको चेंज करने के लिए निकल रहा है, ताकि उस म्यूजिक को सुने और अपना आइडिया जो है वो चेंज करे, राइट। सो इस महीने बहुत जरूरी है इस एनर्जी में जाना, जहां पे आप चूज करें कि आपको नेगेटिव चीजें नहीं करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा कार्ड है म्यूरल का और ये बोलता है बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कुछ अच्छा करें अपने लिए, पेंटिंग करें, अपने आप से प्यार करें, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें, दूसरों के लिए अच्छा करें और अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपने बारे में सोचें इस महीने, अपने आप का, अपने बैलेंस का सोचें इस महीने, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तीसरा कार्ड जो है ये कार्ड नंबर 8 है और ये फेदर का कार्ड है और वो बोलता है थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। किसी भी सिचुएशन को आप इमिडिएटली जब जज कर लेते हैं, हो सकता है ये चीज इसको हील कर रही हूं, लेकिन जो इमिडिएटली देखेगा हो सकता है वो जज कर ले कि इसको मार रही है तो या हर्ट कर रही है या जादू कर रही है जो भी। तो एक्चुअली में कार्ड यही बोलता है कि आपने कभी भी कोई डिसीजन लेना है इस महीने में, कभी भी कोई चीज बोलनी है इस महीने में, पहले ध्यान से सोचें उसके बाद जज करें, क्योंकि कई बार हमारे इनर डेविल जो होता है ना हमें जजमेंटल बना लेता है, तो हमें दूसरों को जज करना बड़ा आसान लगता है और हम इमिडिएटली जज भी कर लेते हैं। आपके लिए सरेंडर कार्ड जो है फर्स्ट सरेंडर मैसेज है कि आप रेडी हैं अबंडेंस के लिए, पीछे मत देखिए, पुराने रोड ब्लॉक्स को मत देखिए, पुरानी डिफिकल्टीज को मत देखिए और नए वर्ल्ड में, नई पॉसिबिलिटीज के वर्ल्ड में जाइए। और कैसे जाएंगे आप, जब आप डिनायल को छोड़ देंगे, तो सिचुएशंस को जैसे ही है वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, डिफिकल्टीज को एक्सेप्ट कीजिए और उन डिफिकल्टीज को एक्सेप्ट करके अपनी आंखों की पट्टी खोल के डिसीजन लीजिए, क्योंकि जब आपकी आंखों की पट्टी खुलेगी तो आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, आप इनर वॉइस को सुन पाएंगे और आपको इनर गाइडेंस मिलेगी। और ये महीना ऐसा है, इनर गाइडेंस, इनर विजडम, इनर नॉलेज इस महीने बहुत जरूरी रहेगी, क्योंकि आउटर वर्ल्ड आपको अट्रैक्ट कर सकता है नेगेटिव चीजों से, और अगर आप नहीं अट्रैक्ट होंगे तो आप एक बहुत अच्छी एनर्जी में रहेंगे जहां से आपको अच्छा बेनिफिट, पॉजिटिविटी या पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। एक कार्ड में अभी लाइव निकालूंगी आप लोगों के लिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सबके साथ शेयर करें और आप अपनी पर्सनलाइज टैब रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या कमेंट सेक्शन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूंगी, हम उसको आगे लेके जाएंगे। देखते हैं एडिशनल मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। और आई थिंक तीन कार्ड आए हैं। पहला कार्ड है longing for home, belonging, the original light worker. तो हो सकता है कि इस महीने थोड़ा सा वो belonging की feeling जो है वो आपको थोड़ी सी हावी रहे, आप थोड़ा सा possessive फील करो, closed फील करो। तो ये जरूर ध्यान रखो कि अंदर अपने आप को हम खुद ही हील कर सकते हैं, हम अपना खुद का होम है, हमारी बॉडी हमारी सोल का होम है। तो अपने आप को, अपनी लाइट को, अपनी एनर्जी को जो है पॉजिटिव एनर्जी को पहचाने, और जब पहचानेंगे तो आपका सोल ट्राइब आपके पास आएगा। आप कभी भी अकेले नहीं होते हो, सोल फैमिली हमेशा आपके साथ होती है और जब आप उसमें रहें
रहेंगे तो आप अपने आप को ग्राउंड रखेंगे, और ग्राउंड रखेंगे तभी आप नेचर के साथ, अपने सोल फैमिली के साथ, अपने सोल एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस महीने ग्राउंडिंग जरूर करें, ये जरूर समझें कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी सोल फैमिली, आपका सोल ट्राइब आपके साथ है, और आपको किसी को भी जबरदस्ती बिलोंग होना जरूरी नहीं है, किसी की तरफ भी जबरदस्ती जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वही एनर्जी आपसे कुछ गलत करा सकती है इस महीने। तो अपना ध्यान रखें, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके काम आए। थैंक यू सो मच, और मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।